out again. So, ये जो आवाजें हैं वो आप सुन सकते हो कि भाई क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और मैं जानता हूँ आप सबको भी ये चीजें पसंद नहीं आती है। मैं वीडियो शूट करता हूँ तो मेरी जो स्क्रिप्टिंग है वो बिगड़ जाती है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं क्या बोल देता हूँ, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये चीजों को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ जो स्टूडियो होता है वो बनाते हैं और वहाँ पर अलग अलग चीजें क्रिएट करते रहेंगे, मजा करते रहेंगे। पूरा कैसे करेंगे, सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन है वो दबा के, इससे मोटिवेशन दिल से मिल जाता है एकदम मस्त। सो यहाँ पर अभी टॉपिक पे आते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 14 के डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलता है आईफोन 14, 14 मैक्स, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स। तो ये सीरीज जो है वो आने वाली है। अब टॉपिक पे आ जाते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं आईफोन 14 से। तो यहाँ पर हमें मिलता है नॉच, जो हमें 13 में मिलता था वैसा कुछ मिलने वाला है। और वैसे भी ये जो न्यूज थी वो अननोन सोर्स था, जो मतलब वहां से न्यूज आ रही थी। भाई साहब जो पीछे जो है ना वो बहुत ही अच्छे से बैकग्राउंड देते हैं, सो ये चीजों को इग्नोर करो। अब यहाँ पर अभी आईफोन 14 मैक्स जो है वो हमें देने वाला है होल पंच कैमरा विद 120 हर्ट्ज का LTPO डिस्प्ले। और ये जो चीजें हैं वो आईफोन 14 में भी आने वाली है, मतलब 14 मैक्स में आने वाली है, और 14 प्रो मैक्स में भी ये चीजें जो है वो कंटिन्यू होने वाली है। और ये जो होल पंच है वो भी मिल सकता है, बट स्टिल प्रो मैक्स के अलावा जो नॉन प्रो आता है उसमें हमें ये क्यों देखने को मिलता है। सबसे पहले जो स्क्रीन साइज है दोनों में सिमिलर है, आईफोन 14 मैक्स एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स में, तो चीजें जो है वो यहाँ से वहां हो सकती है। और दूसरा रीजन ये है कि भाई यहाँ पर अभी जो मार्केट है उसमें कुछ नया नहीं करेंगे तो भाई टिकेंगे कैसे। ये जो चीजें हैं वो देखने वाली बात है कि भाई ये जो है वो होता है कि नहीं। अब जाते हैं दूसरी न्यूज पे। यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर अभी जो आईफोन 14 मिनी है वो नहीं आने वाला है, यहाँ पर अभी आईफोन 14 मैक्स आने वाला है इसके रिप्लेसमेंट में। और मुझे ये चीज सही भी लगती है ऑनेस्टली बोलूं तो, यहाँ पर अभी जो छोटे साइज के फोन होते हैं वो ज्यादा मेक सेंस नहीं करते हैं, और ये चीजें अभी करना थोड़ा रिस्की भी हो जाता है ब्रांड के हिसाब से। तो देखने वाली बात है यहाँ पर होता है क्या और क्या नहीं। अब यहाँ पर जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। आईफोन 14 में हमें सिम नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर अभी ये जो है उससे बैटरी इंक्रीज हो सकती है। अब ये चीज अच्छी भी है बुरी भी है। देखो यहाँ पर अभी जो ई सिम है वो बहुत लोग यूज नहीं करते हैं, फिजिकल सिम यूज करना थोड़ा इजी रहता है। यहाँ पर अभी प्राइवेसी में इशू होता है उसके हिसाब से फिजिकल सिम जो है वो अच्छा नहीं होता है, ई सिम अच्छा रहता है। किसी एंड्रॉइड फोन में SD कार्ड स्लॉट मिलता है जो सैमसंग में आता था और बहुत सारी ब्रांड्स में आता है, तो शायद से वहां पर ये जो चीजें हैं वो जाते हुए दिखे। और जो ये ट्रेंड है नया वाला एप्पल जो ला रहा है, मेरा मतलब है मैंने तेरी कॉपी की तूने मेरी कॉपी की। अब ये चीजें होने के बाद यहाँ पर आप जानते हो ई सिम का जो है इंडिया में बहुत ही बड़ा इशू है, मतलब ई सिम मिलता ही नहीं है, अगर मिलता है तो बहुत टाइम लग जाता है, अबाउट समथिंग पूरा वीक लग जाता है इस चीज में। तो ये जो है वो स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूँ, ना कि यूएस की। यूएस में अलग सिचुएशन है और वहां पर ये जो चीजें हैं वो बहुत ही जल्दी से हो जाती है। अब ये चीजों से आपको एक चीज याद आ रही है, मतलब एप्पल ने क्वेश्चन किया था बहुत लोगों से कि भाई आपका जो सिम होता है और आपका जो सिम का जो इजेक्टर टूल होता है अनबॉक्सिंग करने के बाद क्या करते हो, तो ये जो क्वेश्चन है वो अभी मुझे समझ में आ रहा है। अब ये चीजों के बाद यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर अभी जो आईफोन है 15 सिम कार्ड स्लॉट नहीं मिलने वाला है उसमें भी। जिसको फोन चाहिए फिजिकल सिम के साथ में तो भाई चाइना हांगकांग जो है वो बैठा हुआ है, मुझे भी चाहिए होगा ना तो मैं आपको बोल दूंगा। तो इस बार ने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। सो अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। पीस आउट, पीस।